क्रिकेट की हमारी खास प्रस्तुति निलोसी की आउटस्विंग में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट देवाशीष निलोसी जी। निलोसी जी, भारतीय क्रिकेट के कोच को अपॉइंट करने में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए मीडिया में भी काफी आया, आप कोच कह रहे हैं कि कह क्या रहे हैं वो तो ले आए अपने पसंद का स्टाफ, तो क्या एक कोच अपना स्टाफ चुन सकता है? देखिए क्या होता है यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम जो आई है वो कम्युनिकेशन गैप, इसीलिए मैं भी उसी फेवर में हूँ कि अगर मुझे किसी भी जिम्मेदारी को दी गई, किसी भी चीज की जिम्मेदारी दी गई, अगर मुझे कोच बनाया गया तो भाई मुझे मेरा एक सपोर्ट स्टाफ जो रहता है, क्योंकि जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हो सकूं, जिनको मैं अपने आइडियाज शेयर कर सकूं और जो मुझे रेसिप्रोकेट कर पाए, भाई मतलब हर चीज बताने की जरूरत ना हो और जहां मैं कंफर्ट जोन रहे, मैं कंफर्टेबल फील करूं। तो निश्चित तौर पे अगर कोच किसी भी कोच को जिम्मेदारी दी है तो ये उसका उसका हक बनता है कि वो अपना सपोर्ट स्टाफ लेके जाए, ताकि वो अच्छा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वाली बात आती है कि आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मुझे ये कहा गया कि इसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो जब भी मेरी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो मैं जब बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा तो मैं वही चाहूंगा कि एक माहौल, ऐसा माहौल मिले जो मेरे अनुसार हो या मेरे को फेवर करता हुआ माहौल मिले, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई वो है कि अगर कोच को उसका सपोर्ट साथ अगर उसके पास अवेलेबल है, जिन पे जो उसके विश्वस्त हैं, जिन पे वो भरोसा कर सकता है, जिनको जिम्मेदारियां दे के वो निश्चिंत हो सकता है। क्या होता है, एक कोच के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी चीजें सोचना होती है, स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता है, इंडिविजुअल प्लेयर्स पे काम करना पड़ता है। तो अगर मुझे किसी इंडिविजुअल पे काम करना है जो मैं जिस तरह से काम करना चाहता हूं और वो मैं जिम्मेदारी अगर अपने सपोर्ट स्टाफ को दे सकता हूं और वो बखूबी से निभाते हैं तो अल्टीमेटली एक टीम का फायदा है। तो बात शायद इसलिए भी आगे बढ़ गई क्योंकि जहीर खान, राहुल द्रविड़ जैसे बड़े नाम थे जिनके बारे में पहले कहा गया है कि समिति ने इनको जोड़ा है रोहित शास्त्री स्टाफ के साथ, बाद में चीजें हैं, तो क्या नाम बड़े हो गए इसलिए बात आगे बढ़ गई या फिर एक सीधी सीधी कंपैरिजन हो गई? क्या होता है कि यही अगर हम एक विदेशी कोच की बात करें तो विदेशी कोच को अगर हम बुलाते हैं तो हम उसको हमारा सपोर्ट सब नहीं थोपेंगे, हम भाई हम वो आएगा तो वो अपना सारा सारा सपोर्ट स्टाफ अपना लेके आएगा। तो जब हमारा कोच हम रख रहे हैं, भारतीय कोच है, तो उसको उतनी फ्रीडम हमको देनी चाहिए कि वो अपने अपने अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी, देखो हर कोच की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी से काम कर पाए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत चीज है कि अगर रवि शास्त्री ने अपना स्टाफ मांगा भी था सपोर्ट स्टाफ, तो कहीं गलत नहीं था। यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कहीं कुछ कम्युनिकेशन का एक जो गैप हुआ है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो कमिटी है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। देखिए हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि जहाँ यही कमिटी थी जिसने बहुत अच्छे तरीके से कुंबले और विराट को बिठा के और बात करके एमिकेबल एक सॉल्यूशन निकाला था। तो ये दिग्गज है, ये क्रिकेट के लिए सोचते हैं, इनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन ही का गैप ही है जो ये इस तरह की परिस्थितियों को क्रिएट हुई है। ये परिस्थितियाँ मेरे मन में एक ख्याल आता है, सवाल आता है भारतीय क्रिकेट को लेकर, जब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पे है तो चाहे वो टेस्ट कहीं भी खेले, भारत में भी टेस्ट सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब श्रीलंका में, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक फॉर्मेट बन गया है जी, सलामी बल्लेबाज तय है, खैर वो मुरली विजय और शिखर धवन का थोड़ा इंजरी का वो एक अलग बात है, लेकिन सलामी बल्लेबाज हैं, नंबर तीन पे पुजारा आते हैं, चार नंबर सचिन की जगह हमने विराट कोहली को दे रखी, फिर रहाणे और दूसरे, तो ये तय फार्मूला नहीं है, मतलब कप्तान को कुछ करने की या कोच को कुछ नीति बनाने की गुंजाइश है इसमें, क्योंकि फार्मूला तो है रहती है हमेशा रहती है, क्योंकि आपके पास ये प्लेयर्स हैं जिसमें आपको परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उनका रिप्लेसमेंट भी आपको उसी तरीके से तैयार करना पड़ता है। भाई आज तीन आपके स्पेशलिस्ट जो ओपनर बैट्समैन तीन हैं आपके, तो उन तीनों को एक साथ नहीं खिलाओगे, तो आप में ये भी देख रहे हैं कि आपको किसको खिलाना है और अगर उनमें से कोई फेल हो रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास। तो भाई आपकी बैटिंग लाइन तो हम बोलते हैं कि बहुत लंबी है, लेकिन उस बैटिंग लाइन में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, होता है जो नेचुरल है, उसमें हम मतलब ये नहीं लेके बैठ सकते कि ये रन करेगा ही करेगा, तो एक सर्कल चलता है, तो उसमें उसका रिप्लेसमेंट भी हमारे पास होना। रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है, तो रोहित शर्मा को आप
कहां कौन से क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं? देखिए रोहित, हम अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रोहित को मिडिल ऑर्डर वाला जो स्लॉट है उसमें रोहित बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, और वनडे और T20 में वो ओपन करते हैं और ओपन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने पास्ट में वनडे में अपना परफॉर्मेंस किया भी है, रिमार्केबल परफॉर्मेंस किया है, तो मैं समझता हूँ कि रोहित को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में रहे और वनडे में जो ओपन कर रहे हैं वो करते रहे। टेस्ट क्रिकेट में एक भूमिका भारतीय टीम में अभी भी खाली है, मुझे लगता है कि जो VVS लक्ष्मण भूमिका निभाते थे या सौरभ गांगुली, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आना है, मध्य क्रम में भी नीचे आना है जी, और फिर वहां आपको मिलेंगे टैलेंटर जिनके साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप करके आपको एक डिसेंट टोटल तक टीम को पहुंचाना, ये जिम्मेदारी लक्ष्मण ने सालों निभाई। आपको लगता है कि रहाणे या रोहित इस जिम्मेदारी के लिए? नहीं, मैं इन दोनों के अलावा मैं चेतेश्वर पुजारा, हम चेतेश्वर पुजारा में वो सारी उम्मीदें देखते हैं और उन्होंने उन्होंने परफॉर्म किया भी है और वो जिम्मेदारी को निभा भी रहे। तो राहुल और लक्ष्मण की जो जिम्मेदारियां हैं वो चेतेश्वर पुजारा बखूबी से निभा रहे हैं, रोहित भी है और अजिंक्य रहाणे भी बहुत टैलेंटेड है। बट क्या होता है कि जब हम एक चीज देखते हैं कि जब बहुत बड़े क्रिकेटर्स हमारे जो लीजेंड्स हैं, जो देश में नहीं वरन विश्व क्रिकेट में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, जब वो रिप्लेस होते हैं, जब वो जाते हैं, तो किसी भी टीम की एक प्रक्रिया चलती है, तो उसके बाद एक थोड़ा सा स्पेस बनता है, गैप आता है, और नए प्लेयर्स को उनके, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी वही रहती है कि हम अगर रोहित को देखेंगे या रहाणे को देखेंगे या चेतेश्वर पुजारा को देखेंगे तो हम कंपैरिजन वही करेंगे कि भाई लक्ष्मण थे, सचिन थे, राहुल थे, तो क्या होता है इन लोगों को भी वहां अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, वो समय हमें देना चाहिए। और ये तीनों है जो वो एंकर रोल जो हम बोलते हैं वो ये रोल प्ले कर सकते हैं तीनों। बात करें श्रीलंका टीम की, क्योंकि भारतीय टीम अपने टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, श्रीलंका टीम की स्थिति इन दिनों छुपी नहीं है, पिछले हफ्ते जिम्बाब्वे से भी टेस्ट हारते हारते ही बची हुई। क्या सोचते हैं आप जब एक टीम, हम बात करते हैं बड़े कॉम्पिटिशन की, अभी हम दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूर की भी बात करेंगे भारतीय टीम के, उससे पहले अपेक्षाकृत कमजोर टीम से खेलना, क्या स्तर खेल का प्रभावित होगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि आज का क्रिकेट पूरा प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्लेयर्स को बहुत जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ खेलते हैं, तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड का एप्लीकेशन उतना ही होता है, आप उतना ही अपने आप को अप्लाई करते हैं, थॉट प्रोसेस वैसे ही चलता है। हाँ, क्या है कि जिस जो टीमें होती हैं उसमें एक ट्रांजेक्शन पीरियड्स आते हैं जहाँ पे पुराने प्लेयर्स जब जाते हैं, नए प्लेयर्स जगह लेते हैं, तो उनको वो जगह को लेने के लिए थोड़ा सा भाई, अब हम फिर वही कंपेयर करते हैं कि संकारा, फिर जयवर्धने और दिलशान, तो ये बहुत बड़े क्रिकेटर्स जो बैट्समैन थे जो काफी लंबे समय तक उसकी धरोहर संभाले हुए थे, अब उनके जाने के बाद जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं निश्चित तौर पे उनको भी स्टेब्लिश होने में समय लगेगा, और क्या होता है वो भी टीम युवाओं की है, तो युवाओं को कब स्पार्क मिल जाए, कब उनको एक लय मिल जाए, तो हम ऐसा नहीं है कि टीम हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन हम उस टीम को भी कम नहीं आ सकते। भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है, हम उम्मीद करेंगे कि बेहतर प्रदर्शन करके टेस्ट रैंकिंग अपनी ऊंची से ऊंची रखे। विराट कोहली, रवि शास्त्री का एक साथ यहाँ पहला दौरा होगा, देखना होगा कि भारतीय टीम को कितनी सफलता दिला पाते हैं। धन्यवाद।